हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो पिछले दो तीन महीनों से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज आई वाज क्वाइट बिजी समवेयर सो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग माय फाइनेंशियल ईयर 23 24 का जो पीएनएल स्टेटमेंट है उसके इनसाइट्स एंड देन हाउ मच आई हैव मेड इन मार्च 24 एंड अप्रैल uh, 24 ओके सो बिफोर वी बिगिन मैं आप लोगों को थोड़ा चार्ट्स uh, के बारे में और इंडेक्स के जो फ्यूचर मूव होने वाला है विच इज अः विच इज दिस विच इज वट आई एम एक्सपेक्टिंग उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है सो दिस इज द निफ्टी का चार्ट निफ्टी का चार्ट में आप देखेंगे कि एज ऑफ नाउ निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा uh, पी एर कैंडल बनाया है एंड काफी नीचे जाकर बंद हुआ है मैंने अपने चैनल पे बताया था व्हेन निफ्टी वाज़ मेकिंग वाज़ नियर अबाउट ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड लेवल तब मैंने बताया था कि निफ्टी जो है ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड के नीचे बंद नहीं करेगा इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स एट्टी एंड इसमें मैंने एक चीज बताया था दैट निफ्टी अज सपोर्ट एंड इट विल नॉट क्लोज बिलो ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड लेवल्स ठीक है एंड It has not closed, theek hai Because there was a huge support, so that is why Nifty has not closed. So now, now what is going to happen now? Since it has become, it has already made a huge bearish engulfing pattern. And अगर ये high break हो जाता है, तो high break होने के बाद इसमें काफी अच्छा move देखने को मिलेगा. Before that, you see this on weekly time frame, Nifty जो है, एक evening star pattern का formation कर रहा है, ठीक है? एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसका फॉर्मेशन कर रहा है उसने ऑलरेडी डोजी बना दिया है दिस एरिया बिलोंग्स टू द सेलर्स जोन ये सेलर्स एरिया है यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है एंड ऑन एनी वीकली टाइम फ्रेम अगर इसके लो के नीचे मार्केट बंद होता है यानी कि 22 इट इज नियरली अबाउट 348 लेवल्स अगर इसके नीचे नेक्स्ट वीकली यहां पर क्लोजिंग दे देता है देन वी कैन सी इजीली 22 सेवन हंड्रेड टू ट्वेंटी टू एट हंड्रेड का सॉरी ट्वेंटी हंड्रेड टू ट्वेंटी देखने को मिलेगा ओनली इफ नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग टू थ्री फोर्टी एट लेवल्स ठीक है अगर मार्केट नीचे जाता है तो वी कैन सी द लेवल हंड्रेड टू ट्वेंटीड ठीक है ये ध्यान रखिएगा बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पर ये काफी वीक सिग्नल दे रहा है ठीक है एंड अगर मान लीजिए नीचे जाने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ तीन चार कैंडल बनाता है एक हफ्ते तक इसी मदर कैंडल के अंदर कंसोलिडेट कर जाता है और ये इस टाइप का एक पैटर्न बना देता है एंड देन वापस आकर इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको कम से कम पांच पॉइंट तक का मूव मिल सकता है एज पर फिफ्ट डेटा ये आपको ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास तक आपको इजीली ये मार्केट ले जा सकता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा जितना लंबा ये कंसोलिडेशन होगा एरिया उतना ही अच्छा खासा आपको मूव मिल सकता है, अगर again, तो ये वाला जो है, जो अभी इट प्लेज तो आपको इतना बड़ा जितना लंबा मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेशन करेगा उतना अच्छा खासा आपको लॉन्ग रेंज का मूव देखने को मिल सकता है फॉर नाउ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड is a very good level uh, where the market can reach if it is going to cross the high of all time high in fact ठीक okay? है so ये तो रहा हमारा निफ्टी का बात and then next जो है नेक्स्ट इज uh, ऐसा कोई हाई ब्रेक करने का इतना आपको वो नहीं मिलेगा बिकॉज बी एन एफ इज ऑलरेडी ट्रेडिंग विद इन द चैनल ये अगर वापस थोड़ा गिरेगा तो वापस चैनल पे सपोर्ट लेगा फिर जाएगा फिर दोबारा चैनल पे हाई बनाकर एक ऐसे कैंडल बनाएगा देन फिर थोड़ा कंसोलिडेशन लेगा देन अगर चैनल को ब्रेकआउट करता है तब आपको कम से कम थाउजेंड पॉइंट तक का एक रैली देखने को इजिली मिल सकता है सो फॉलो दिस चैनल इफ दिस चैनल इज बींग ब्रोकन आउट बाय बैंक निफ्टी देन कैन सी अ गुड रैली इन दस ठीक है बैंक निफ्टी में ऑलरेडी काफी अच्छा वीकनेस देखने को मिला है बिकॉज चैनल पैटर्न के वहां से ऑलरेडी एक इन्वर्टेड हैमर यानी कि देर वर गुड सेलर फिर एन इन्वर्टेड हैमर देन देर इज अरिश एंड गल्फिंग कैंडल तो कंटिन्यूअस्ल ने कैंडल स्टिक पैटर्न इसने बनाए हैं फ्रॉम द वेरी गुड रेजिस्टेंस लेवल सो यहाँ से बी को वीकनेस मिल रही है एंड बी एन एफ टिलोजिंग कर रहा है पॉसिबिलिटी बी एन एफ विजिस्टेंस मेकअ दिस का ट्रेंड लाइन एंड देन इट विल फॉल बैक यस जब नीचे गिरेगा तो दिस इज द पॉइंट वी आर यू शुड सी बिकॉज यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी इसको मिलेगा एंड इज अ पॉसिबिलिटी बी एन एफ माइट रिकवर एंड देनो बैक टू दैनल ठीक है सो रिमेंबरिंग इन दाइम फ्रेम एंड लेट्स लुक एट दीकली टाइम फ्रेम नाउ वीकली टाइम फ्रेम में भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है बट वीकली टाइम फ्रेम में वी कैन सी अज नेगेटिव कैंडल दिस कैंडल इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड ये ब्रेकआउट देने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली है यानी कि मार्केट जो है वो टॉप से बैंक को शॉर्ट कर रहा है बिकॉज बैंक इज इन द चैनल पैटर्न सो चैनल पैटर्न जब तक यहां ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक वी विल नॉट सी अ गुड अप मूव टिल द टाइम मार्केट में कंटिन्यू रिमेन विद इन द बैंक निफ्टी में रिमेन विद इन द चैनल पैटर्न जब तक चैनल पैटर्न ब्रेक नीचे नहीं होगा तब तक अच्छा मूव नीचे की तरफ नहीं मिलेगा डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा तब तक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा ठीक है सो ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑन दिस चैनल पैटर्न बिकॉज बैंक निफ्टी इज मूविंग विद इन अ Good channel pattern. So, this channel is uh, very important to see a good move of 1000 points at least the moment it is going to break the channel on either side. Okay, so this is what index is uh, fairly playing around. And apart from this, I would like to discuss with you guys India VIX also. Now, you could see, when you see the market, 20% uh, VIX ne ye fall deyada, uzden gaata, something is not right. VIX has fallen too much and it will rebound. There is no doubt about it. ठीक है ये आप uh, मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट चैनल है आप इस दिन पे देख लीजिएगा आई हैव टोल्ड टू माय सब्सक्राइबर दैट विक्स विल रिबाउंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड विद इन सिक्स और सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सेवन वर्किंग डेज में इट इज विजन मोर देन मोर देन थर्टी फाइव थर्टी फाइव परसेंट के आसपास ये छह दिन में बढ़ चुका है विक्स ठीक है इस एंड uh, जो मेरा थ्रेश था 13.49 लेवल 13.49 लेवल के ऊपर ये ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड अप मूव इन दिस नाउ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट कैन रीच इजीली मोर देन 16 टू 70 लेवल 17 लेवल्स बिकॉज अभी जो हमारा ये मे सीरीज चल रहा है इस मे सीरीज में अच्छा खासा आपको इलेक्शन की जो वोलेटिलिटी है वो देखने को मिल सकती है

ठीक है बट इट से वोलेटाइल मूव शार्प मूव आया पैंतीस परसेंट का मूव आया लेकिन मार्केट इतना ज्यादा गिरा नहीं है 7, के एट हंड्रेड के आसपास से केवल दो सौ तीन सौ पॉइंट का ही प्रॉफिट बुकिंग आया एंड दैट टू विद इन टू डेज ठीक है फर्स्ट डे थर्सडे को मार्केट ने टॉप मारा था एंड देन उसी दिन दो सो पॉइंट का मूव आया एंड देन कल ए वन सेवेंटी टू पॉइंट का मूव आया दैट्स इट

this this was 12th march look at this. BNF would be more volatile. Yeah. look at this candle this candle is huge doji candle मतलब मार्केट आराम से चल रहा था आराम से चल रहा था देन एकदम से सिक्स या एट हंड्रेड या थाउजेंड points ऊपर गया बैंक निफ्टी within फाइव और टेन मिनट्स इफ यू हैव नॉट सीन माई विडियो प्लीज वॉच दैट फॉर टेन अगेन इट फेल बैक टिलियरली अबाउट एक दिन में करीब इसने टू थाउजेंड पॉइंट का ऊपर या नीचे का मूव दिया था एंड सेम गोजी ऑल्सो बोथ गिव ह्यूज अप मूव कंसॉलिडेशन एंड सो इट एज एंड देन आफ्टर दैट अगेन केम बैक एंड क्लोज सो दैट इज वोची कैंडल है ओपनिंग हेयर सस्टेन्डर वेंट अपनी And then again uh, up and then sustain and then close here only. So it closed at this area, upside and downside. So it took SL on upside also and it took SL on downside also. Okay? Is then data was also not working properly? I've, uh, I follow uh, data as well too much. But was then data bhi bhohadaches a and data changing was too frequent. Okay? And uh, what was the reason? Uh, was that the retail? Uh, that move was done by operators to trap retailers? I don't know. Okay, so these kind of spikes have started coming from 12th march onward you must have seen in the market as of now that there are too many spikes are coming look at these candles every day every day there's a huge spike on upside downside downside upside every day there are spikes coming spikes स्पाइक्स ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर आता है लुक एट द स्पाइक्स लुक एथ द स्पाइक्स ऊपर भी गया नीचे भी गया नीचे भी गया ऊपर भी गया एवरी वेयर मार्केट इज ट्राइंग टू टेक द एसेल एंड ह्यूज एसेल हंटिंग वेल दिस टाइम पर विक्स वॉज फॉलिंग डाउन सो दैट इज वाई इट टूक माई एसेल बिकॉज विक्स वॉज अगेंस्ट द फॉलिंग मार्केट ठीक है बिकॉज well, तो so विक्स उस दिन काफी अच्छा नीचे गिर रहा था सो दट इज वाई आई गेव अवे माई पोजिशन एंड आई मेड अॉस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दट दिस इज गोइंग टू हैपन Okay, so this is how market has been trapping from uh, so many days so yeah so this is uh, uh, the loss that i made and then uh, okay now i'll okay financial year ka, we will make it in my uh, jo mera pnl statement then this is first april to 30th april my trading so i have made nearly about 4 lakh 24 uh,

जिस दिन सैटरडे एंड संडे था एंड देन दिस वाज़ द मंडे डेट एंड मंडे को इनफैक्ट सैटरडे को ही न्यूज आ गया था ईरान हैज फायर्ड मिसाइल्स ओवर इजराइल And then uh, war ka news agatha So I was expecting that market is going to go down because Krubne already up uh, now start movement start kardiata. So I was expecting that huge move, uh, volatility may rise and market is going to go down. So market khasa, uh 1% uh, down one year, 1.2% down khula tha. Thay, It made a loss for me, and then somehow I was able to cover uh, some of my losses, and that is the final thing, uh, nearly about 50-60,000 that I made a loss in that. So this was the war day. So it was very difficult to, uh, uh, very difficult to catch this move because Saturday ko, Friday that there was nothing Friday co VIX was also down so everything sorry Aman or Shanti puri duniya and all of a sudden this thing has happened. Okay, so that was the thing.

आई थी शॉर्टली एंड सून सो ऑल ऑफ अडन मार्केट फेल वेरी शार्पली एंड दैट वॉज द डे आई मेड लॉस अगेन सो ये हफ्ते में दो दिन मैंने लॉस बनाए थे एंड दिस बोथ लॉस वॉज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वॉर सिचुएशन सो वॉर जैसी हुआ तो फिर आई डिस नॉट टेक है ठीक है उसके बाद मैंने पोजिशन स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया था एंड आई वॉज नॉट टेकिंग एनी ओवर नाइट पोजिशन आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स इन माई ट्रेडिंग टू टेक ओवर नाइट पोजिशन सो ओवर नाइट पोजिशन नहीं ले रहा था सो so, इंटरा में जो प्रॉफिट हो रहा था वही कर रहा था तो थोड़ा बहुत दैट इज वाई दैट इज डॉन्टेड माई प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ एप्रिल सो दिस वॉज मार्च एंड दिस वॉज एप्रिल्स इन वन ऑफ one of the other account as well. So this is my other account. It's maybe from first March till 30th April. I have made. So in March, I have made nearly about 164 and in April, I made nearly 154 same days. I have made the losses in this too. So this is what has been happening in this okay so before i begin i'll just show you my uh, verified pnl statement this is my trading secrets channel so is video hai and my daily geya. daily aap ke liye verified pnl update karta on daily basis so this is my verified pnl if you want to see and the other one is my other account verified pnl okay so this these are the two things uh, jo hai mera.

So, nearly about I have made in the month of April was. Okay, let's see, March 1st. So, March may have made nearly about 5 lakh in this month, and uh, March may have made nearly about 6. So, 6.5 lakh I made in. Uh, in march month so which was nearly about uh, three point five to four uh, more than 4%, four percent four point five percent capital का. so my target is three to five percent and then april may i have made near about four to six seven lakhs and april may have made seven eight eight point five lakh okay so in april i have made eight point five lakhs and in march i have made nearly about 6.5 लाख ठीक है सो दिस 8.5 लाख इज नियरली अबाउट 5.5 5.5 ऑफ ऑफ माय माय टू 6 कैपिटल सो so, so, मेरा जो टारगेट रहता है दैट इज नियरली अबाउट 3 टू 4 पर मंथ ऑन एनुअल बेसिस मैं रखता हूं बिकॉज कई बार क्या होता है कुछ महीने होते हैं जिसमें कभी कभी लॉस हो जाता है तो कई बार दो परसेंट भी प्रॉफिट हो जाता है कुछ अच्छे महीने होते हैं जिसमें कि सात छह सात मेरे पिछले जो है उनमें मैंने सात या आठ आठ परसेंट तक का प्रॉफिट कमाया है

ठीक है एंड दैट टू ऑल इज विद एफ एन ओ एंड स्विंग ट्रेडिंग मैं लाइक आई हैव बीन टेलिंग टू माय स्टूडेंट्स एंड आप सभी को मैंने बताया है कि मैं कवर्ड कॉल्स जो है बहुत ज्यादा करता हूँ एंड कवर्ड कॉल्स के साथ साथ मैं स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करता हूँ ठीक है

ये अप्रैल फिफ्टी का डे है इस दिन मैंने इक्विटी अपना बेचा था जो स्विंग ट्रेडिंग का था एफ एन ओ में मेरा में लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन एंड इक्विटी में मैंने अपना अच्छा खासा जो स्विंग ट्रेडिंग था उसका मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था ओके सो डू नॉट थिंक दैट की उसमें लाल था इसमें हराया तो ये तो फेक हो गया फेक सो दैट इज नॉट द थिंग ओके सो दैट इज हाउ आई हैव Fared in the month of march, in the month of march, in एक और चीज बताने वाला हूँ December तक मेरा थोड़ा normal profit होता था लेकिन फ्रॉम जैन से uh, काफी अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट सो फ्रॉम जैन have आई है गुड थिंग सो नियरली about इसमें uh, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर का इस अकाउंट में फिफ्टी टू लैक्स के आसपास है नियरली अबाउट थर्टी टू थर्टी टू लैक्स मैंने सिर्फ जैन फैब मार्च अप्रैल इन चार महीनों में बनाया है है ठीक सो इन जैन में मेरा काफी अच्छा हुआ था यू सी दस जैन में आई मेड सिक्स सेवन सेवन पॉइंट फाइव फैब में आई मेड नियरली अबाउट सेवन लाख मार्च में फाइव तो एंड अप्रैल में आई मेड नियरली अबाउट फोर सिक्स सेवन लैक्स

क्स ने काफी अच्छा वॉलेटाइल मूव दिया जाता है तो प्रीमियम प्राइस होते हैं तो आईवी राइज हो जाता है एंड अगर आप हाइयर आईवी पर बेचते हैं तो देर इज अर पॉसिबिलिटी जल्दी प्रॉफिट होने वाला है बी इन टाइम्स जब आईवी कई बार ए टी एम का फोर्टी के ऊपर जाता है जो की नॉर्मली हाफ से भी कम रहता है ठीक है सो दैट इज वाई विक्स जो है ऑप्शन सेलर के लिए कई बार काफी फायदेमंद हो जाता है इफ यू आर नॉट होल्डिंग अ पोजिशन ऑलरेडी ठीक है सो दैट इज वॉट इट इज एंड आई एम एक्सपेक्टिंग की अभी मार्केट में और वॉलिटिलिटी रहेगी सो बी अवेयर बी कॉशियस एंड बी सेफ एंड जो भी आपकी पोजिशन uh, साइजिंग है उसको थोड़ा कंट्रोल रखिएगा एंड ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ विक्स बिफोर यू एंटर इन अ ट्रेड Okay, and uh, if you want to learn from me, this is my channel. This channel is called Trading Secrets 88. And if you have not joined this channel, I recommend you to join this channel because I have been giving all the live updates. And yes, this is my uh, premium channel. If you want to uh, uh, enter into my premium channel, this is free of cost. And uh, you can contact, uh, you can uh, find the details over here. ठीक है सो दिस चैनल इज फॉर लर्निंग ओनली लेट मी टेल यू देर इज नो प्रीमियम ग्रुप में कोई कॉल्स वगैरह कुछ नहीं देता हूं मैं इट इज जस्ट द लेवल्स एंड द टीचिंग्स दैट आई ट्राई टू गिव टू यू बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड करेंगे मार्केट में देन ओनली यू कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट नो वन एल्स कैन अर्न फॉर यू ठीक है सर सो इफ यू रियली लाइक माई वीडियो आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि

okay then you will realize why I said this then there was this video trading versus investing if you have not watched it do watch it what is my psychology and how I consider investing and trading okay. apart from this there is zero loss strategy so if you have not watched these videos many people have been coming to me saying sir up uh, uh, learning a video dal dije, learning ka videos dal di, dal learning ke videos are already there it's just that you have not seen it. So I request you to please watch those videos and then uh, put up in comment section that uh, what else you want to see. Uh, so accordingly, I will plan and I will make a video on that. Okay, sir. So that's it for my side, sir. And uh, if you have liked my video, please uh, subscribe to my channel and uh, join my uh, Telegram channel as well, which goes by the name Trading Secrets 88. Okay, thank you very much, sir. And uh, have a good day. Happy trading.